हमीरपुर में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसकी रूपरेखा बताते हुए पुलिस और प्रशासन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमीरपुर में 20 बूथ अति संवेदनशील, 10 अति संवेदनशील प्लस और संवेदनशील 33 बूथ है, तो वहीं जिले को 11 जोन में बांटा गया है। आपको बता दें कि हमीरपुर में 3 नगर पालिकाएं हमीरपुर, मौधा और राठ है, जबकि 4 नगर पंचायत कुरारा, सुमेरपुर, सरीला और गोहांड है। इन सातों सीट पर निष्पक्ष चुनाव करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। वही जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि हमीरपुर में 11 मई को मतदान होना है, जिसके लिए 86 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 22,351 मतदाता बढ़े हैं, ऐसे में कुल 2,328 मतदाता 11 मई को मतदान करते हुए अपना चेयरमैन चुनेंगे। जनपद हमीरपुर में कुल 7 नगर निकाय हैं, जिनमें 3 नगर पालिकाएँ हमीरपुर, राठ और मौदहा हैं। 4 नगर पंचायतें हैं, सुमेरपुर, कुरारा, सरीला और गोहांड। इन सातों नगर निकायों में मिलाकर कुल 124 हमारे वार्ड हैं और इन 124 वार्डों में जो भी मतदाता हैं उनका मतदान कराने के लिए हमने जनपद में 252 बूथ बनाए हैं। इन बूथों में सब में हम लोगों ने समीक्षा कर ली है, संवेदनशीलता की दृष्टि से, भीड़ भाड़ की दृष्टि से भवनों का निरीक्षण करा लिया गया है। वोटर लिस्ट हमारी फाइनल है, मतदाताओं की संख्या 2,00,000 है हमारे यहाँ। हम लोग निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य करेंगे और शांतिपूर्वक, निर्विघ्न और सकुशल निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराएंगे। नामांकन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी? नामांकन प्रक्रिया 17 से प्रारंभ होगी, 24 तक चलेगी। सर, चुनाव बैलेट पेपर से होगा कि ईवीएम से होगा? बैलेट पेपर से चुनाव होगा, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से निर्वाचन होगा। संवेदनशीलता की दृष्टि से 3 कैटेगरी बनाई गई है हमारे यहाँ। 33 संवेदनशील हैं, 20 अति संवेदनशील हैं और 10 अति संवेदनशील प्लस हैं। इन सब में जो भी आयोग के निर्देश हैं उनके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इनमें भी हमारा प्रयास रहेगा किसी प्रकार की कहीं कोई घटना, अप्रिय घटना न होने पाए। दूसरे चरण में जनपद हमीरपुर में इलेक्शन किया होगा, जिसकी कल घोषणा की जा चुकी है। MCC लागू हो गया है, उसके साथ ही हमारा जनपद 11 जोन और 27 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पुलिस की मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी लगा दी गई है और सोशल मीडिया सेल को भी एक्टिव कर दिया गया है। कोई भी MCC का वायलेशन के संबंधित सूचना किसी भी स्तर से उनको मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर पर किस तरीके की चेक पोस्ट बनाई जाएगी? बॉर्डर पे हमारे यहाँ स्टैटिक चेक पोस्ट बनाई जाएंगी, जिन पे की चेकिंग करी जाएगी पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी 5 जनपद हैं जिनका बॉर्डर लगता है, उन सभी पर आपका बैरियर्स लगा के प्रॉपर मजिस्ट्रेट के साथ चेकिंग की जाएगी।